आदर प्रीति आसी किंतु अन्ये कवयः कालिदासाय असूयन्ते ते चिन्तयन्ति राजा कालिदासे पक्षपातं करोति इति एतत् विषयं ज्ञात्वा कालिदासस्य प्रतिभायाः समर्थनाय राजा भोजः किम् उपायं करोति इति पश्यामः प्रथमदृश्यं कविसभा कनगलताया हस्ते किंते खाली पत्रम
खावा नहीं का खात्वं भादे अंचन माला कस्या पुत्री कनकलताया हस्ते किंते थाली पत्रम खावा रेखा खाखा भद उत्तमम समस्याया उत्तरम प्राप्त अतिसंतोष नाटकस्य तृतीय दृश्यम कवि सभा समस्त भूमंडल चक्राधिपति अनेक सामंत राज परिवृत सकल जन आराध्य दैव महाशक्ति संपन्न महायशोवान सूर्य सम प्रकाश अगणित गुण मंडित स्वयं महाकवि भोजराज कवि सभा प्रविशति भोजराज कवि सभा प्रविशति समस्या पूरिता वा सोम शर्मा कवि महोदय भवता कविता रचितवान् वा राजशेखर कवि महोदय भवता कविता रचितवा ओ कालिदास कवि महोदय भवान कविता लिखितवान् वा आम महाराज मया समस्या पूरिता तर्हि भवता कविता पठ्यता वयं सर्वे श्रुण्मः आम महाराज का त्वं बाले कांचन माला कस्या पुत्री कनकलताया हस्ते किंते थाली पत्रम खावा रेखा खग खग उत्तमम अति उत्तमम अभिनंदनानि कवि सर्वभौम अभिनंदनानि कवि सर्वभौम भवानेव कविकुल गुरुः भवानेव कविकुल चक्रवर्ती अस्माकं अपराधं क्षमस्व कवि चक्रवर्ती कालिदासः जयतु कवि चक्रवर्ती कालिदासः जयतु कवि चक्रवर्ती कालिदासः जयतु अस्मिन् नाटके पात्रं ग्रहीतवन्तः भोजराजः मनीष महोदयः कालिदासः ईश्वर महोदयः सोमशर्मा कवि विक्रम महोदयः राजशेखर कवि कण्णन महोदयः बालिका ईश्वर महोदयस्य पुत्री दिव्या एतत् नाटकस्य निर्देशकः नारायण नम्बूदरी महोदयः पृष्ठभूमिकायाम् अहिला भगिनी वसन्ता भगिनी मम नाम सुनीलः एवं लक्ष्मी भगिनी जयतु संस्कृतं जयतु भारतं धन्यवादः।